हेलो स्टूडेंट्स हम चैप्टर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसके बारे में पढ़ रहे थे ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है इसकी बुक वर्क मैंने आपको दे दी है इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवा दिए हैं तो अब बचे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पिक्चर स्टडी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ही दूंगी करने के लिए जो आपको कॉपी में करने हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंपोज्ड आर इट्स मेम्बर्स कि म्युनसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से बनाई जाती है कौन कौन इसके मेंबर होते हैं तो इसका आंसर है अब म्युनसिपल कॉरपोरेशन इन इज कम्पोज इन फॉलोइंग मैनर जो पॉइंट दिए हुए हैं उसमें बताया गया है कि म्युनसिपल कॉरपोरेशन कैसे कंपोस्ट की जाती है उसमें सबसे पहला पॉइंट है द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द मेयर एंड डिप्टी मेयर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्रॉम अमंग देमसेल्फ्स मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है तो उसमें ही मैंने आपको ये वाले पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे स्टिल मैं एक बार और समझा देती हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि मेयर जो होता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है और मेयर और जो डेप्यूटी मेयर चुने जाते हैं वो ये म्युनसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब आपस में इलेक्शन के जरिए इनको चुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द कॉरपोरेशन सेट्स नंबर ऑफ कमेटी टू लुक आफ्टर डे टू डे वर्क ये वाला पॉइंट आप मत लिखिए ये वाला पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है उसके बाद है देयर इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और म्यूनसिपल कमिश्नर हु इज़ अपॉइंटेड बाय दिस स्टेट गवर्नमेंट कि एक म्यूनसिपल कमिश्नर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जिसको हम कहते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट uh, किया जाता है फोर्थ पॉइंट है आपका देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ मेंबर्स कॉल्ड ऑल्डर मैन दे आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दैट सिटी इसके अलावा ओल्डर मैन भी होते हैं ओल्डर मैन मैंने आपको बताए थे कि वो जो सिटी के पॉपुलर और रिस्पेक्टेड सिटीजन होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं फिफ्थ पॉइंट भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है सिक्सथ पॉइंट है कि सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वेमेन के कुछ सीट्स जो होती हैं वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और औरतों के लिए सेव की जाती है रिजर्व की जाती है उनके ऊपर बाकी लोग इलेक्शन इलेक्टेड होकर भी नहीं जा सकते और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो पाँच साल के लिए होता है तो आप ध्यान रखें ये जो मैंने आपको आंसर दिया है इसमें आपको पॉइंट टू और पॉइंट फाइव ये आपको नहीं लिखना है बाकी के जो पॉइंट हैं वो आपको लिखने हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन फाइव फंक्शंस ऑफ द म्युनिस्िपल कॉरपोरेशन रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इसका आंसर ये वाला लिखना है आपको जो इससे एक सेकंड पहले जो आपको मिला हुआ है वो नहीं लिखने हैं पॉइंट्स आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं कि मैं आपको समझा देती हूँ इस्टबलिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज मैटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर कि हॉस्पिटल्स को इस्टैब्लिश करना डिस्पेंसरीज बनाना मैटर्निटी बनवाना चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स बनवाना ये सब जो है आपको म्यूनसिपल uh, कॉरपोरेशन के काम होते हैं मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर वैक्सीनेशन एंड इनक्यूलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिज़ीज़ कि ऐसे अरेंजमेंट करना कि वैक्सीनेशन और इनक्यूलेशन जो है वो आ, हो जो डेंजरस डिजीज डिजीज़ है उनके अगेंस्ट जो है लोगों को अवेयर करना और डेंजरस डिज़ीज़ के लिए वैक्सीनेशन ले कर आना जैसे आज कल कोरोना फैल रहा है तो आप ये देखिए सारे काम जो होते हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ही होते हैं साफ़ सफाई करना कूड़ा करकट कर साफ करना रोड्स को साफ करना पब्लिक टॉयलेट्स बनवाना है उनको साफ़ रखना ये सारे काम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ही होते हैं चेक करना फूड की क्वालिटी को ये भी काम जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना ये काम भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही होता है यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपसे जो है स्पेशली लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड जो है वो पूछा गया है तो आपको जो है लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वही पॉइंट्स को जो है आपको यहाँ पे लिखने हैं जो मैंने आपको दिए हैं बाकी वाले वर्क आप इसके अंदर नहीं लिख सकते या आप ध्यान रखिएगा ये जो मैंने आपको पांच पॉइंट्स दिए हैं यही पांच पॉइंट्स जो है आपको पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन में लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क एंड सर्विसेज इन दिस सिटी गिव एनी फाइव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन दिस कि पाँच ऐसे काम आपको बताने हैं जो लोगों की वर्क और सर्विसेस के लिए किए जाते हैं देखो यहाँ पर आपसे स्पेशली पूछा गया है पब्लिक वर्क और सर्विसेज तो यहाँ के पॉइंट्स आपके डिफरेंट होंगे तो आपके सबके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे उनको आप लिखते वक्त मिक्सअप ना कर दे क्वेश्चन आप ध्यान से ज़रूर पढ़े पेपर में क्या पूछा जाएगा तो इसके पॉइंट्स हैं कि रोड्स बनवाना उनको कंस्ट्रक्ट करना ब्रिजेस बनवाना पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाना मार्केट्स क्रेमेटोरिया ग्रेवयार्ड्स ये सब बनवाने का काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है वाटर सप्लाई बन का सिस्टम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना और उसको मेंटेन करने का काम भी इनका होता है स्ट्रीट लाइट अरेंज करने का काम भी इनका होता है फायर ब्रिगेड मेंटेन करने का काम भी इनका होता है इलीगल बिल्डिंग्स जो होती है या फिर जो डेंजरस बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिमोलिश करने यानी उनको ख़त्म करने का काम भी इनका होता है और लोगों के बच्चों की बर्थ और लोगों की मरने का जो रिकॉर्ड होता है वो भी यही रखते हैं तो ये आपके तीन क्वेश्चन दिए मैंने ये तीन क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी